नमस्ते, मेरा नाम है लालिमा और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। हिंदी फिल्मों में आपने कई सारी ऐसी कहानियाँ देखी होंगी जिनमें बच्चा अपने अमीर माँ बाप से बिछड़ जाता है, फिर बहुत ही गरीबी में जीता है, फिर बड़ा होकर किसी तरह अपने परिवार से दोबारा मिलता है। लेकिन ये सब होने में कई साल लग जाते हैं। 5-6 साल का बच्चा 22-23 साल का हो जाता है। अब इसी तरह का एक मामला असल में सामने आया है। बस एक छोटा सा फर्क है, लड़का गुम हुआ और 1 महीने बाद ही मिल गया, और गुम होने वाले लड़के की उम्र 19 साल थी। लड़का गुजरात का रहने वाला था और पुलिस को वो शिमला की सड़कों के किनारे सोता हुआ मिला। वहां वो सड़क के किनारे बने होटलों में छोटा मोटा काम करके किसी तरह गुजारा कर रहा था। अब सवाल आता है कि गुजरात का रहने वाला लड़का शिमला पहुंचा कैसे। TOI की रिपोर्ट के मुताबिक लड़के का नाम द्वारकेश ठक्कर है, इंजीनियरिंग कर रहा है, वडोदरा के पादरा कस्बे में परिवार के साथ रहता है। पिता तेल व्यापारी हैं, लाखों की प्रॉपर्टी है। 14 अक्टूबर के दिन द्वारकेश अपने घर से निकला ये कहकर कि वो कॉलेज जा रहा है, लेकिन फिर वापस नहीं लौटा। रिपोर्ट्स के मुताबिक द्वारकेश को कॉलेज जाना और पढ़ाई करना पसंद नहीं था, इसीलिए वो उस दिन कॉलेज ना जाकर वडोदरा रेलवे स्टेशन पहुंचा, वहां से दिल्ली गया और फिर गायब हो गया। उसके घर वालों ने पुलिस में शिकायत की। पुलिस ने CCTV के जरिए उसे खोजने की कोशिश की। अब क्योंकि द्वारकेश अपना मोबाइल घर में ही छोड़कर गया था, इसीलिए उसे खोजना बहुत मुश्किल था। केवल इतना ही पता चल पा रहा था कि वो वडोदरा रेलवे स्टेशन गया था। हफ्तों तक उसे खोजने के बाद भी उसका कोई पता नहीं चल रहा था। द्वारकेश के घर वाले निराश होने लगे थे, लेकिन 4 नवंबर के दिन एक उम्मीद जगी जब पादरा पुलिस को शिमला के एक होटल के मैनेजर ने कॉल किया। बड़ा सवाल, क्यों आया था ये कॉल? दरअसल द्वारकेश वडोदरा से शिमला पहुंच गया था, जहां वो सड़कों के किनारे बने होटलों में बर्तन धोकर किसी तरह गुजारा कर रहा था। 4 नवंबर के दिन वो शिमला के एक बड़े होटल पहुंचा काम मांगने के लिए। मैनेजर को थोड़ा शक हुआ, उसने द्वारकेश से बात की, उसकी आईडी मांगी। आईडी से मैनेजर को ये पता चला कि वो पादरा से है। मैनेजर ने फिर चुपके से वहां के पुलिस स्टेशन में कॉल किया, लड़के के बारे में बताया, फिर उसके आईडी कार्ड की तस्वीर भी पुलिस को भेज दी। पादरा पुलिस ने आईडी देखकर द्वारकेश को पहचान लिया। 4 नवंबर के दिन पुलिस थाने के 2 पुलिसकर्मी अपने परिवार के साथ शिमला में ही थे, छुट्टियां मनाने गए थे। अधिकारियों ने उन दोनों को कॉल किया और द्वारकेश को खोजने का निर्देश दिया। जब दोनों पुलिसकर्मी होटल पहुंचे, तब तक द्वारकेश वहां से जा चुका था, लेकिन मैनेजर ने उससे ये जान लिया था कि वो सड़क किनारे के होटलों में छोटा मोटा काम करता है। ये बात मैनेजर ने पुलिस वालों को बता दी। फिर रात में ही उसे खोजना शुरू किया गया, सड़क किनारे के होटलों में, वहां के टैक्सी ड्राइवर्स को, सबको उसकी तस्वीर दी गई। आधी रात को एक टैक्सी ड्राइवर ने दोनों पुलिस वालों को कॉल किया, बताया कि उसने द्वारकेश को सड़क पर सोता देखा है। पुलिस वहां पहुंची और द्वारकेश को अपने आईडी कार्ड दिखाए। तुरंत उसके घर वालों को कॉल किया गया, घर वाले भी जितनी जल्दी हो सके वहां पहुंच गए। लड़के से जब ये पूछा गया कि उसने घर क्यों छोड़ा था, तब उसने बताया कि उसे कॉलेज जाना और पढ़ना पसंद नहीं है, वो इन सब से भागना चाहता था, इसीलिए उसने घर छोड़ दिया था। खैर, इस वक्त वो अपने परिवार के साथ है, उसका परिवार बेहद खुश है। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर इसे आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसके अलावा हमारा ऐप भी प्ले स्टोर में है, आप उसे भी डाउनलोड कर लें। थैंक यू।